मैंने पूछा, ये झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते? क्या आपको नहीं लगता कि दर्द तो उनको भी हुआ होगा? मैंने पूछा कि झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के ये अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है और मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। क्योंकि महकते सिल पे घिसके हम उसे चंदन समझते हैं, महकते सिल पे घिसके हम उसे चंदन समझते हैं और वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, वतन पर मरने वाले तो मौत को ही दुल्हन समझते हैं। ये जज्बा कोई सामान्य जज्बा नहीं है, ये जज्बा कोई सामान्य जज्बा नहीं है। और इसलिए मैं आज इस पवित्र मंच से अपने कर्म के द्वारा मां भारती की आरती उतार रहे, सीमा पर पहरा दे रहे खड़े हुए उन तमाम जवानों को मैं नमन करती हूं। उनके कारण आज हम कथा सुन पा रहे हैं और कह पा रहे हैं, जो अपने प्राणों को हथेली पर रख करके वहां खड़े हैं। बर्फ हो, धूप हो, गर्मी हो या ठंड हो, कुछ नहीं देखते। मौत हो या जीवन हो, कुछ नहीं देखते। बस केवल एक ही भाव रहता है कि मेरी मातृभूमि की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। केवल चाहे उसमें प्राण जाए, जीवन रहे न रहे, लेकिन मातृभूमि की आन बान शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा भाव रखने वाले उन तमाम देशभक्तों के साथ मैं उन तमाम वीरों को हृदय से नमन करती हूँ।